गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी की टीचर। आज हम हिंदी व्याकरण में हमारा सेकंड चैप्टर वो पढ़ेंगे। देखिए, हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था, क्या था वो? लिंग। हमने जेंडर या लिंग के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था लिंग क्या होता है, लिंग की परिभाषा पढ़ी थी और साथ ही हमने लिंग के प्रकार पढ़े थे। उसमें हमने पढ़ा था कि लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और हमने कुछ प्रश्न उत्तर भी किए थे। देखिए वो कौन से थे। हमने प्रश्न प्रथम पढ़ा था लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो। हमने लिंग की परिभाषा लिखी, साथ ही उदाहरण भी लिखे। फिर हमने किया था लिंग कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के तीन तीन उदाहरण दीजिए, यानी लिंग दो प्रकार के होते हैं, उन दोनों प्रकार के हमने उदाहरण भी लिखे थे। फिर हमने किया था निम्नलिखित शब्दों के लिंग, यानी हमें कुछ शब्द दिए गए थे, कुछ संज्ञा शब्द दिए गए थे, उन संज्ञा शब्दों की हमने लिंग लिखे थे। फिर हमने क्या किया था, हमें कुछ शब्द दिए गए थे, हमें उन शब्दों के लिंग बदल के लिखने थे। फिर हमने उन शब्द कुछ शब्द दिए गए थे। अगले प्रश्न में हमें कुछ ऐसे शब्द दिए गए थे जिन्हें हमें उनके लिंग बताने थे। ये सब हमने अच्छे से किया था। आज हम आगे के प्रश्न करेंगे। देखिए वो क्या है। देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग व स्त्रीलिंग छांट कर लिखिए। यहाँ देखिए बच्चों, हमें एक समूह के अंदर खूब सारे शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों से हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अलग करके लिखने हैं। तो देखिए, पुल्लिंग, पुल्लिंग वाले कॉलम में हम पुल्लिंग शब्द लिखेंगे, स्त्रीलिंग में हम स्त्रीलिंग शब्द लिखेंगे। तो हमारा प्रथम क्या है, पुत्र। पुत्र क्या होता है, पुत्र पुल्लिंग होता है, क्योंकि इससे क्या आभास होता है, इसे पुरुष के होने का आभास होता है, इसलिए हमारा ये पुल्लिंग है। फिर हमारा है माता। माता क्या है, माता स्त्रीलिंग है। क्यों, क्योंकि इससे हमें क्या होता है, स्त्री के होने का आभास हो रहा था, ये हमारा स्त्रीलिंग हो गया। फिर है पड़ोसिन। पड़ोसिन वापस से क्या गया, पड़ोसिन एक स्त्रीलिंग है, तो हमने पड़ोसिन स्त्रीलिंग लिखा, पड़ोसिन। फिर आगे है गाय। गाय क्या होता है बच्चों, गाय भी एक स्त्रीलिंग है, तो हम यहाँ इसको स्त्रीलिंग में लिखेंगे। फिर है घोड़ा। घोड़ा क्या होता है, घोड़ा एक पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग हम क्या लिखेंगे, घोड़ा एक पुल्लिंग है। फिर आगे है मोरनी। मोरनी क्या होता है बच्चों, मोरनी एक स्त्रीलिंग है, तो देखिए हमने क्या लिखा, मोरनी। फिर है शेर। शेर क्या होता है, शेर एक पुल्लिंग है, तो हमने इसे पुल्लिंग वाले कॉलम में लिखा है। फिर देवरानी। देवरानी, देवरानी एक स्त्रीलिंग है, तो हमने देवरानी स्त्रीलिंग लिखा है। फिर है चाची। चाची क्या है बच्चों, चाची भी स्त्रीलिंग है, तो हमने इसको स्त्रीलिंग लिखा है। फिर है नौकर। नौकर क्या होता है बच्चों, नौकर पुरुष है, तो इसको हम पुल्लिंग में लिखेंगे। फिर है पंडित। पंडित भी क्या है, पंडित एक पुल्लिंग है, तो हम यहाँ पुल्लिंग लिखेंगे, यानी पुल्लिंग का जो हमारा कॉलम है वहाँ हम नौकर सॉरी पंडित लिखेंगे। फिर है राजा। राजा क्या होता है, राजा भी एक पुल्लिंग है, तो हम लिखेंगे राजा। फिर है लड़की। लड़की क्या है बच्चों, लड़की एक स्त्रीलिंग है, तो हम यहाँ स्त्रीलिंग में इसको लिखेंगे। तो बच्चों ये था हमारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को छांटकर अलग लिखने वाला। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग बताइए। यानी हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, सॉरी कुछ वाक्य दिए गए, उन वाक्य में कुछ ऐसे शब्द दिए हैं जिन्हें क्या किया गया, रेखांकित यानी अंडरलाइन किया गया। इन अंडरलाइन या रेखांकित शब्दों के हमें क्या लिखने, लिंग लिखने। तो देखिए, धोबी कपड़े धो रहा था। अब धोबी क्या है बच्चों, इसी धोबी को क्या किया गया, अच्छे से हाईलाइट किया है, रेखांकित किया गया है, तो ये क्या है, ये पुल्लिंग है। तो सामने में क्या लिखती हूँ, पुल्लिंग शब्द लिखती, क्यों, क्योंकि धोबी क्या होता है, धोबी एक पुल्लिंग है। फिर है युवती खाना बना रही थी। युवती क्या है, युवती स्त्रीलिंग है, तो हम लिखेंगे स्त्री लिंग। फिर देखिए, राजा प्रजा का ध्यान रख रहा था। राजा क्या होता है, राजा एक पुल्लिंग है, तो हम लिखेंगे पुल्लिंग। मैं इसके सामने इसलिए लिख रही हूँ बच्चों, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। आगे है माली बागवानी कर रहा था। माली क्या होता है, माली भी पुल्लिंग है, तो हम इसे पुल्लिंग लिखेंगे। लिख दिया बच्चों अच्छे से। फिर है छात्रा पढ़ रही थी। छात्रा क्या होती, छात्रा एक स्त्रीलिंग है, तो हम इसे स्त्रीलिंग में लिखेंगे, हमने लिखा स्त्रीलिंग। फिर है बैल चारा खा रहा था। बैल क्या है, बैल पुल्लिंग है, तो हमने लिखा पुल्लिंग। फिर अध्यापिका पढ़ा रही थी। अध्यापिका क्या होती है, अध्यापिका स्त्रीलिंग होती है, तो यहाँ हमने लिखा स्त्रीलिंग। तो ये था बच्चों हमारा शब्दों की लिंग बताना। अब आगे देखिए, विदुषी का पुल्लिंग है। विदुषी क्या होती है बच्चों, विदुषी ऐसी महिला होती है जो इसे
उसके विषय के बारे में अधिक ज्ञान होता है तो उसको विदुषी कहा जाता है। और विदुषी का पुल्लिंग क्या होता है, विदुषी का होता है विद्वान। तो यहाँ हमने लिखा विद्वान जो लिखा हुआ था उस पर हमने राइट का निशान लगाया है। अब है लड़का में लिंग है, यानी लड़के का हमें लिंग बताना है। तो लड़का क्या होता है बच्चों, अभी हमने किया था लड़का होता है पुल्लिंग, तो हमने पुल्लिंग पे सही का निशान लगाया। फिर है कृष्ण में लिंग है, अब हमें कृष्ण का लिंग बताना है। तो कृष्ण में क्या होता है, कृष्ण एक स्त्री है तो क्या हुआ, स्त्रीलिंग हो गया। तो ये थे बच्चों हमारे 5 प्रश्न अभी हमने किए, कौन से शब्दों में से पुल्लिंग व स्त्रीलिंग छाँट के लिखना, वाक्यों के लिंग बताना, फिर हमने किया था सही उत्तर पे सही का निशान लगाना यानी विदुषी का पुल्लिंग किया था, फिर लड़का में, फिर हमने लड़के में क्या कौन सा लिंग होता है वो बताया, फिर कृष्णा पे हमने लिंग बताया था। तो बच्चों ये थे हमारे आज के प्रश्न उत्तर, मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज आपको अपनी नोटबुक में प्रश्न नंबर 6, 7, 8 और 9, प्रश्न नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 अच्छे से करने और साथ ही आपको इसे याद भी करना। कल हम हमारा नया चैप्टर वचन शुरू करेंगे। हैव ए नाइस डे।